आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। महज 10 सालों में आम आदमी पार्टी देश की चंद राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हो गई है। आप देश की नवी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको राष्ट्र पार्टी का तमगा हासिल, आप देश की नवी राष्ट्र पार्टी बनी। गुजरात ने आपको दिलाई जीत। 26 नवंबर 2012 को आप पार्टी का हुआ गठन। आम आदमी पार्टी को आखिरकार राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिल ही गया। राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर गुजरात की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी देशवासियों को बधाई दी है। दरअसल नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र पार्टी वो राजनैतिक पार्टी होती है जिसकी राष्ट्र स्तर पर पहचान होती है। वही क्षेत्रीय पार्टियों की एक राज्य या क्षेत्र में ही मौजूदगी होती है और चुनाव आयोग के अनुसार भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए 4 या उससे ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होना जरूरी है। साथ ही पार्टी को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिलनी चाहिए। साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में उसके कम से कम 4 सांसद होने चाहिए। अगर किसी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में कुल सीटों में से 2% सीटें जीती हैं, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। कहने का मतलब है कि 543 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटें जीतने पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता पर काबिज है। वही गोवा विधानसभा चुनाव में आपको 6.77% वोट मिले थे। अब गुजरात में भी 13% वोट शेयर पाकर आम आदमी पार्टी राष्ट्र पार्टी बनने की शर्तों को पूरा कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में आपको सिर्फ 1% वोट शेयर मिल सका। गुजरात में स्टेट पार्टी का तमगा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को 6% वोट और 2 सीटों की आवश्यकता थी। उसने बड़ी आसानी से ये उपलब्धि हासिल कर ली है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिलने के बाद अब देश में राष्ट्र पार्टियों की संख्या 9 हो जाएगी। आपसे पहले बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआईएम, सीपीआई, एनसीपी, बसपा और कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा हासिल था। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2012 को देश में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। हाल ही के वर्षों में इसने जिस तरह से कई राज्यों में दूसरी पार्टी के वोट बैंक का सफाया किया है और खुद को विकल्प के तौर पर पेश किया है, वो एक मिसाल बन चुका है। फिर भी आम आदमी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।